नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आप देख रहे हैं बिग डिबेट। चुनाव का माहौल है, पंचायत चुनाव के नामांकन होने के बाद, अब निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के बाद उसकी जंग तेज होने वाली है। और इस बीच सरकार ने भी अपने कई फैसलों से कह सकते हैं कि मतदाताओं को आकर्षित करने का एक नया कदम उठाया है। जी हां, जिस तरीके के फैसले शिवराज कैबिनेट में लिए गए, इसका क्या असर होगा चुनाव पर, क्योंकि सीधे सीधे निशाने पर ब्राह्मण वर्ग है, जिसके लिए कहा गया है कि भूमिहीन जो पुजारी हैं उनको जमीन मिलेगी, तो साथ ही साथ उनके मानदेय को भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई। ऐलान हालांकि पहले ही हो चुका था, लेकिन जो मंजूरी मिली है वो इस वक्त मिली है। इसके अलावा क्या ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। फैसले तो कई हुए, लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम था पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला। दरअसल मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में पुजारियों सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले इसे शिवराज सरकार का अहम फैसला माना जा रहा है। अतिक्रमणकारियों, माफियाओं और दबंगों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास हो या फिर बसों के टैक्स माफ करने का फैसला, निश्चित तौर पर इन फैसलों का फायदा गरीब तबकों पर होगा। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले इसे शिवराज सरकार का अहम फैसला माना जा रहा है।